सुपरस्टार सलमान खान साल 2014 में आई कोरियन फिल्म ऑड टू माई फादर के हिंदी रीमेक यानी भारत में नजर आने वाले हैं और उनकी इस फिल्म को इसी साल ईद के मौके पर रिलीज किया जाना है। लेकिन दोस्तों आपको बताना चाहेंगे सलमान खान एक और कोरियन फिल्म के हिंदी रीमेक में नजर आने वाले हैं। जी हाँ, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिन पहले बॉलीवुड के गलियारे से एक खबर सामने आई थी जिसमें यह बताया गया था कि सलमान खान के जीजा अतुल अग्नित्री की प्रोडक्शन कंपनी रियल लाइफ प्रोडक्शन ने साल 2015 में आई दक्षिण कोरियाई फिल्म वेतरन की हिंदी रीमेक खरीदे हैं और सलमान खान इस फिल्म में भी नजर आने वाले। इस बात का कंफर्मेशन तो हो गया है कि सलमान खान इस फिल्म में एक जासूस का किरदार निभाते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों अब जो खबर सामने आई है उसे जानकर आप भी चौंक जाएंगे। जी हां, सलमान खान की फिल्म वेतरन के हिंदी रीमेक की शूटिंग इसी साल के अंत तक शुरू की जाएगी। जी हां, खबरों की माने तो बताया गया कि सलमान खान भारत फिल्म के बाद दबंग 3 का हिस्सा बनेंगे और दबंग 3 की शूटिंग जहां तक खबरें आ रही हैं जुलाई तक खत्म हो जाएंगी और जुलाई के बाद सलमान खान की इस फिल्म पर काम करना शुरू कर दिया जाएगा। एक्शन से लेकर डायरेक्शन तक, साथ ही डायलॉग से लेकर फिल्म की स्क्रिप्ट तक काम शुरू कर दिया जाएगा और रिपोर्ट्स की माने तो साल 2019 के अंत तक सलमान खान इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। जी आपको बताना चाहेंगे सलमान खान की ये फिल्म काफी मायनों में खास होगी क्योंकि साल 2015 में जब ये कोरियन फिल्म रिलीज हुई थी तो इस फिल्म को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया था, साथ ही ये सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म भी साबित हुई है और इस बात में कोई शक नहीं, अगर सलमान खान इस फिल्म का हिंदी रीमेक में नजर आएंगे तो जाहिर सी बात है ये दर्शकों के लिए एक बड़े तोहफे जैसा होगी। तो दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है और सलमान खान की इस फिल्म को लेकर आपका क्या कहना है, नीचे दी गई कमेंट सेक्शन के जरिए हमें जरूर अपनी राय दें।